हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीटेट 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो गया है, सीटेट.निक.इन। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पब्लिक नोटिस इनका इशू हो गया, प्लस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो इनका पूरा होता है डिटेल्स वो भी अपलोड होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, इंक्लूडिंग पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, फिलिंग प्लस कोरेक्शन प्लस और लॉगिन डिटेल्स। अगर आपने पहले सी टेट फिल किया था फॉर पेपर वन एंड पेपर टू या बोथ पेपर्स के लिए, उसके जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके इशू हो गए हैं डिजी लॉकर से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज करके उसका सलूशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर इन्होंने एक पहले तो ये जो PDF है अपलोड की है, 17th एडिशन सी टेट का है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, आपको पता है। इसमें बताया है एडमिट कार्ड्स ऑफ द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन सिलेबस लैंग्वेजेस एलिजिबल क्रिटेरिया सारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 से स्टार्ट होगी और आज हम डेट देख लेते हैं क्या डेट है, मैं आपको शो कर देता हूँ। टुडे इज़ 27, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ यहाँ बताया गया है। और 26 फ्राइडे सॉन, और जो फीस आपका लास्ट डेट रहेगी सॉन डिटेल रहेगी सारी 26 मई तक रहेगी। जनरल के लिए फ़ीस हम बात करें फॉर ओनली पेपर वन एंड टू उसकी 1000 लगेगी, बोथ पेपर्स की 1200 लगेगी। SC ST और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी फॉर पेपर वन एंड टू सिंगल के लिए 500 है, बोथ के लिए 600 लगेगी। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ नई ऐड की है, द कैंडिडेट्स मस्ट डॉट एंड एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉट ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट चॉइस सर्व बेसिस। ये चीज़ इन्होंने नहीं अपलोड की, पिछली बार भी थी। तो ये है क्या, मैं आपको टेल में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम बिलोंगिंग टू पंजाब, तो पंजाब में जो सेंटर्स बनते हैं जैसे होशियारपुर हो गया, जलंधर हो गया, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, सोन, ये मैं कॉमन से सेंटर बोल रहा हूँ, वैसे काफ़ी बनते हैं। तो जैसे मुझे जलंधर में फिल करना है, तो जैसे मैंने ये जो सेंटर फॉर्म फिलिंग थे 26 को स्टार्ट हुआ और मैंने 27 को स्टार्ट हुआ, मैं ये जो मैंने फॉर्म है 20th of May को फिल किया। अब देखिए मैं काफ़ी लेट हो गया, तो बाकी जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करते जो उनको सेंटर्स एलोकेट होंगे पहले होंगे, बिकॉज जो भी उनके वहाँ पर सिलेक्शंस वगैरह होगी सेंटर्स की वो अकॉर्डिंग टू सीट्स वगैरह होगी, तो इसलिए आप इसको एज सून एज पॉसिबल फिल कर दीजिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। सो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम सेंटर्स वगैरह होंगे, हिंदी में भी दिया है, अब फुल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर बताया सबमिशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी 27 से थर्सडे से, और वेबसाइट दी है, उसके बाद लास्ट सबमिशन 26th of May है, टाइम रात के 12 बजे तक रहेगा आपका। और फीस की लास्ट डेट भी सेम रहेगी फ्राइडे 26 मई। फाइनल वेरिफिकेशन पेमेंट आपका 29 तक रहेगा, मतलब फॉर्म फिल आपने 26 को कर लिया, पेमेंट 29 तक कर सकते हैं। करेक्शंस वगैरह 29 से लेकर 2 जून तक स्टार्ट हो जाएगी। नो करेक्शन शैल बी अलॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आफ्टर दिस डेट, इसके बाद कोई करेक्शन वगैरह नहीं होगी। उसके बाद टाइमिंग वगैरह दी है आपकी, इन केस कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आवर डिपोजिटिंग द फीस, द कैंडिडेट शुड अप्रोच द डिप्टी सेक्रेटरी सीटेड CBSE 10 से 5 बजे तक, ये डेट दी है मंडे और यहाँ तक दी है। फॉर वर्किंग डेज आप उनको अप्रूव सेंड कर सकते हैं, बैंक की कॉपी डिटेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पेमेंट डिडक्ट हुई है तो आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपका 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा, एग्ज़ाम इनका जुलाई में होगा और डिक्लेरेशन इनकी सितंबर तक हो जाएगी। और टाइमिंग शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड्स का सारा कुछ बताया गया है, पेपर वन एंड टू के लिए क्या क्या रहेगा ये आप रीड कर लेना। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, थिंक टेक्निकली एरा और जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। बिकॉज आपको पता है आजकल अगर आपने कोई भी टीचिंग जॉब लेनी है स्पेशली NAPS और कैम्ब्रिज, देन देर आर सो मैनी स्कूल्स, दिल्ली स्कूल्स हैं जो, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं जिसमें सीटेट कंपलसरी है, तो उसको ज़रूर फिल करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो आप हमसे ले सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं आपका डाउनलोड हो रहा, रोल नंबर फॉरगेट हो गया है, एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ करेक्शन और मिस्टेक्स, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा,
सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम.